हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन रेलवे के कोच के क्लासिफिकेशन के बारे में। उन पर लिखे कुछ लेटर उन्हें क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कोच पर लिखे एच लेटर फुल एसी फर्स्ट क्लास वाले कोच को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इन्हें फर्स्ट ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कोच में इंडिपेंडेंट लॉकेबल कंपार्टमेंट होता है जिसमें चार या दो पैसेंजर को कैरी किया जाता है। कोच का अरेंजमेंट H1, H2, H3 के क्रम में होता है। लेटर ए फुल फर्स्ट एसी टू टायर स्लीपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इन्हें 2A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एक पीयू में 6 बर्थ होते हैं, 4 मेन और 2 साइड में। इसके कोच का नंबर A1, A2, A3 के क्रम में रहता है। लेटर बी फुल एसी थ्री टायर स्लीपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें कभी कभी 3A भी बोला जाता है। इसके एक पीयू में 8 बर्थ होते हैं, 6 मेन और 2 साइड में। इनका नंबर B1, B2, B3 के क्रम में होता है। लेटर एच ए कंपोजिट एसी कोच को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आधा फर्स्ट एसी और आधा सेकेंड एसी टू टायर स्लीपर क्लास होता है। इसके कोच का नंबर HA1, HA2 और HA3 के क्रम में होता है। लेटर HB कंपोजिट एसी कोच को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आधा फर्स्ट एसी और आधा थर्ड एसी स्लीपर क्लास होता है। इस कोच का नंबर HB1, HB2, HB3 के क्रम में होता है। लेटर S नॉन एसी स्लीपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके एक पीयू में 8 बर्थ होता है। इसका क्रम S1, S2, S3 के क्रम में होता है। लेटर D नॉन एसी सीटिंग कोच को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर SLR जिसका मतलब सीटिंग कम लगेज रेक होता है को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लगेज रूम के साथ साथ जनरल सीटिंग और गार्ड केबिन भी होता है। लेटर J1, J2 गरीब रथ के एसी चेयर कार को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर G1, G2 गरीब रथ के एसी थ्री टायर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर E एक्स्ट्रा कोच को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि स्लीपर कोच में कोई एक्स्ट्रा कोच ऐड किया जा रहा है तो उसे SE1, SE2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में आपने इंडियन रेलवे के कोच के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।